अधिकतर घरों में खाना को बहुत वेस्ट किया जाता है, जो कि खाना को वेस्ट करना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक रुपए जोड़ करके हमारे घर के बड़े लोग खाने के लिए हमारे कमाते हैं। तो इसलिए खाना को बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए आज हम आपके लिए यूज़फुल रेसिपी लेके आए हैं। ख़ास तौर से अगर घर में खिचड़ी वगैरह बन जाती है तो और लोग उसे फेंक दिया करते हैं अगर बच जाती है तो। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि मैं हमेशा बना के खाती हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ साथ शेयर कर रही हूँ। आप खिचड़ी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी रेसिपी बना करके तैयार कर लोगे और आपको लगेगा ही नहीं कि मैं रेस्टोरेंट में बैठ करके नहीं खा रही हूँ, एकदम होटल की तरह टेस्ट में मैं आज इसको आपके साथ बना करके शेयर करने वाली हूँ। ये हमारी रात की खिचड़ी थी तो सुबह बची हुई थी, तो मैं इसको क्या करी हूँ, इसको मैश कर ली हूँ। तो हमारे यहाँ शनिवार को उड़द दाल की खिचड़ी बनती है, उड़द दाल की खिचड़ी थी तो मैंने उसको अलग अलग कर लिया सारे चावल को। अब इसके बाद यहाँ पर हमने शिमला मिर्च लिया है, तो एक शिमला मिर्च है फ्रिज में पड़ा हुआ था तो मैंने इसी को ले लिया है। बाकी की सब्जियाँ नहीं थी ज़्यादा, तो फिर मैंने कहा केवल शिमला मिर्च से ही आज बनाते हैं। अगर आप चाहो तो इस शिमला मिर्च के साथ मटर ले सकते हो, गाजर ले सकते हो, और भी मतलब जो भी सब्जियाँ आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। फिर इसे आप लंबे लंबे पीस में काट लीजिएगा, ऐसे लंबे लंबे पीसेस में काट लीजिए। आप चाहे तो छोटे पीस में, जैसे छोटे छोटे बारीक एकदम पीस होते हैं उसमें भी काट सकते हैं, लेकिन लंबे पीसेस में काटने से थोड़ा सा डिश का, जो डिश हम बनाने वाले हैं उसका लुक बहुत प्यारा लगता है। इस वजह से मैं लंबे पीस में अक्सर काट करके बनाती हूँ। तो सारे शिमला मिर्च को ऐसे ही काट लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए हमने शिमला मिर्च काट लिया है। अब दो प्याज लिया है हमने मीडियम साइज़ के, इसे भी पतले पतले स्लाइस में हमें काट लेना है, महीन महीन स्लाइस काटिएगा। तो इसे भी हमें काट लेना है, ये देखिए मैंने प्याज को भी काट लिया है। अब आपको क्या करना है, बाकी की सामग्री हम फ्राई करते हुए बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लोहे की कढ़ाई लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। फिर उसमें सरसों का तेल डालेंगे, आप कोई भी ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल सकते हो। फिर उसके बाद जब तेल गर्म हो जाए तो यहाँ प्याज डालेंगे और प्याज को लाल होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज डालने के बाद इसको लाल होने तक फ्राई करिएगा। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो में पूरे बने रहिएगा, क्योंकि बहुत से स्टेप्स ये लास्ट तक चलते रहेंगे। तो पहले प्याज खूब अच्छे से लाल हो जाए, और जब आपको लगे कि प्याज लाल हो गई है तो आपको क्या करना है, इसमें शिमला मिर्च ऐड करना है जो आपने काट करके रखा हुआ है। शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से फिर से हम शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा पकने देंगे फ्राई होते हुए। जब शिमला मिर्च भी आपको लगे कि हाँ पक गई है, अब अच्छे से फ्राई हो गई है, तो आपको क्या करना है, जो आपने खिचड़ी रखी हुई है आप इसे ऐड कर दीजिए। आप खिचड़ी की जगह इस रेसिपी को चावल के साथ भी बना सकते हो, लेकिन जो इसमें उड़द की दाल होती है ना छोटे छोटे दाने में, वो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, इसलिए मैं अक्सर इस रेसिपी को तो खिचड़ी के साथ ही बनाया करती हूँ। हो सके तो आप भी एक बार खिचड़ी के साथ इस रेसिपी को बना के ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो अब इसको क्या करना है, खिचड़ी डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से भून लेना है, करीब इसको 2 से 3 मिनट भूनना है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये खिचड़ी है तो मैं इसमें नमक बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। अगर आप सादा चावल से इस रेसिपी को बना रहे हैं तो नमक बिल्कुल ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि सादे चावल में नमक नहीं होगा, खिचड़ी है तो इसमें नमक पड़ा हुआ है। तो इसे आप बराबर चलाते हुए करीब 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लीजिए हाई फ्लेम पे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हमने इसको भून लिया है। फिर इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, थोड़ा सा विनीगर डालेंगे, और इसमें इसके बाद हम थोड़ा सा फ्राइड राइस मसाला डालेंगे। जितना आपके पास खिचड़ी हो या राइस हो उसी हिसाब से आपको फ्राइड राइस मसाला यहाँ डालना है। और मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से एक बार फिर से हमें 1 मिनट तक भून लेना है।
तो गाइस अगर आप इस रेसिपी को बना करके खाओगे तो आपको बिल्कुल होटल वाला फ्राइड राइस का टेस्ट आएगा, लेकिन इसमें जो उड़द का दाल का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस वजह से इस रेसिपी को मैं इस तरीके से ज़रूर बनाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा इसका लुक दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बन करके तैयार होती है। तो अब इसे बस गर्मा गर्म सर्व करेंगे और इसे खाएंगे। तो इसे आप चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ भी ले सकते हैं, या तो आप इसके साथ मंचूरियन भी ले सकते हैं, या तो आप इसे सादा भी खा सकते हैं। सभी तरीके से ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। हो सके तो एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, और अगर आप पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई रेसिपी डेली ले करके आ सकें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस और लोगों तक पहुंचती रहे। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।